इस कैटेगरी में सबसे पहली बाइक जो आती है ना लॉन्ग शॉट राइड की, वो है रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी बाइक्स। दोस्तों इन बाइक्स में 350 में मीटियोर भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप क्लासिक भी ले सकते हैं, हंटर भी ले सकते हैं, साथ ही साथ बुलेट 350 भी जो है आप परचेज कर सकते हैं। सेम इंजन है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट बाइक हैं, थोड़ा सेटिंग कंफर्ट अलग है। डेफिनेटली इसको टेस्ट राइड करके परचेज करिए। अगर दोस्तों कुछ डायमेंशन एंड प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो आराम से 1.90 लाख से लेके आपको 2.30 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस में आपको ये बाइक रेंज जो है डेफिनेटली पड़ जाती है। एंड बहुत ही पॉपुलर बाइक्स हैं, मेरे को कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज रोड पर आपको सबसे ज़्यादा देखने मिल जाएगा एंड लॉन्ग राइड्स में भी जो आपको सबसे ज़्यादा यूज जो है की जाती है। एंड दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm के आसपास मिल जाता है, 349 cc का इंजन मिल जाता है, 20 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, 27 Nm का टॉर्क है एंड बाइक जो है नियर अबाउट अगर बात की जाए तो 190 kg के आसपास की बाइक है। माइलेज भी आपको डिसेंट माइलेज, अगर आप सही स्पीड में राइड करते हैं तो आराम से 30-35 के आसपास आराम से माइलेज दे देती है। हाईवे पे आपको इससे बेटर माइलेज भी जो है वो मिल सकती है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की कोई भी 350 cc बाइक लेने से पहले एक बार उसका टेस्ट राइड जरूर करिएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत सेटिंग पोस्चर, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के छोटे मोटे फीचर्स में, कॉस्मेटिक में, इन सब में ही चेंजेस मिलेगा। एंड जो मेजर चेंजेस है ना दोस्तों वो मीटियोर और क्लासिक सेगमेंट में है। मीटियोर थोड़ा सा क्रूजर कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनाया गया है एंड जो रेट्रो चार्म आ रहा है वो क्लासिक में है। तो हमेशा टेस्ट राइड करके ही जो है इन बाइक्स को परचेज करिएगा। बाइक है दोस्तों होंडा की CB350। दोस्तों इसमें RS मॉडल भी है, हाइनेस मॉडल भी है, साथ ही साथ CB350 मॉडल जो है जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है वो भी मॉडल है। दोस्तों इन तीनों में से कोई भी बाइक जो है डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। ये सिटी राइड, लॉन्ग राइड या फिर मल्टीपल राइड्स के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है ना, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जो है पसंद भी आ रही है। दोस्तों 2.10-2.20 lakhs के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आ रही है, 2.5 lakh के अंदर के आसपास में एक अच्छी बजट फ्रेंडली बाइक जो पड़ जाती है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के साथ में आप इसमें टूरिंग भी ईजिली कर सकते हैं। 348.36 cc का इंजन आता है, 21 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि 30 Nm का टॉर्क देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ 30-35 km के आसपास माइलेज भी देती है, जो कि डिसेंट है, और सही से राइड किया जाए तो इससे ज़्यादा माइलेज भी आपको मिल जाता है। अलॉयबल ट्यूबलेस टायर के साथ में फीचर आता है, रेट्रो प्रॉपर लुक है एंड सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड खास तौर से इसका इंजन जो है वो बहुत ही अच्छा रिफाइंड इंजन जो है दिया हुआ है बहुत ही सारे फीचर्स के साथ में। डेफिनेटली इस बाइक को कंसिडर करिए अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट राइड के लिए एक बाइक चाहिए तो। नेक्स्ट बाइक है दोस्तों हाई डेविडसन की X440। एंड दोस्तों ये बाइक मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड इसका पर्सनली मैंने राइड किया हुआ एंड इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 2,40,000 का एक्स शोरूम प्राइस है इसका एंड 2,80,000-2,85,000 के आसपास में ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ जाती है। एंड दोस्तों 240 cc का इंजन है, जो कि आपको 30-35 km का माइलेज देता है। एंड दोस्तों 190 kg के आसपास की ये बाइक है, 13.5 liters का टैंक आता है, सिटिंग है 805 mm का है। अगर आपकी हाइट 5.6-5.7 है तो आप इसको आराम से जो है राइड कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे कम हाइट में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है वो ट्रैफिक में उतना ज्यादा नहीं होगा। एंड दोस्तों सिमिलर इंजन में आप हीरो में भी बाइक परचेज कर सकते हैं। हीरो की मैवरिक जो है 440 cc वो लॉन्च कर दी गई, वो भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं एंड सिमिलर इंजन के साथ में आती है। अच्छा रिफाइनमेंट वर्क जो है किया गया, हीरो एंड हाई डेविडसन ने दोनों मिलके जो है इन बाइक्स पे वर्क किया गया। एंड हाई डेविडसन 440 की अगर बात की जाए तो ईच एंड एवरी पार्ट पे अच्छी वर्किंग जो है की गई, चाहे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, चाहे चेसिस फ्रेम हो, चाहे सिटिंग कंफर्ट हो, या फिर दोस्तों लुक एंड डिज़ाइन हो, सब पे बहुत अच्छी वर्किंग की गई। टोटल ये 3 variants में आता है एंड 4 color ऑप्शन जो है मिलता है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि हाई रिप पे जो है आपको हल्का वाइब्रेशन मिलता है एंड फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा बेटर हो सकता था, ऐसा जो है मार्केट रिव्यूज पे आ रहा है। हालांकि अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बाइक्स है दोस्तों जावा एंड ESD बाइक्स। दोस्तों जावा एंड ESD बाइक्स के पास फुल रेंज ऑफ बाइक है, जिसमें कि आपको बॉबर मॉडल मिल जाता है, क्रूजर भी मिल जाती है, साथ ही साथ स्क्रैम्बलर, एडवेंचर बाइक्स, जो आपको पूरा एक रेंज मिल जाता है, जिसमें 300 cc to 334 cc का इंजन जो है वो यूज़ किया गया। एंड प्राइस अगर रेंज की अगर बात की जाए तो 1,98,000-2,35,000 तक का प्राइस रेंज है, जिसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस और बहुत सारे जो है आपको बाइक ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि अभी भी लोगों का जो है फिंगर पॉइंटिंग वो बिल्ड क्वालिटी को लेके है।
लुक डिज़ाइन फीचर्स दे रही है जावा, बट थोड़ा बहुत क्वालिटी में ना अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया, और अभी भी मुझे थोड़ा अंडर रेटेड जो है जावा SD बाइक्स लगती हैं, एंड उतना रोड पे ज़्यादा देखने मिलती है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखने मिल रही है वो बॉबर मॉडल जो है सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है, एंड जावा 42 बॉबर में अभी एक नया कलर भी ऐड किया हुआ है, रेड शीन, जो कि क्रोम टैंक के साथ में आ रहा है। सेम टू सेम वैसे ब्लैक मिरर जैसा ही है, वो भी जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड कलर बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों, अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो जावा को भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। 300cc में एक डिसेंट बाइक जो है आपको देती है, अगर आपके शोरूम है एंड सर्विस प्रॉपर है तो डेफिनेटली इसका एक टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव करने के बाद में ही जो है आप कंसिडर करिए कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाइक है दोस्तों बजाज की डोमिनार 400, एंड दोस्तों इसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे राइडर इसको लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ करते हैं, सिटी राइड के लिए यूज़ करते हैं, एंड दोस्तों एक्चुअल में छोटे मोटे अगर मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर दिए जाएँ तो ये भी टूरर रेडी ईजिली है दोस्तों। 2.30 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में ईजिली अवेलेबल मार्केट में, एंड दोस्तों बजाज का सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड अगर इंजन की बात की जाए दोस्तों, सिंगल सिलेंडर DOSE फॉर्मेट का लिक्विड कूल इंजन आपको मिल जाता है ये, एंड 373cc का इंजन है दोस्तों, 40 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, 35 N का टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा है, अच्छी टॉप स्पीड भी है इसकी। माइलेज की अगर बात की जाए तो 27-30 KMP का माइलेज आराम से देती है ये रोड पे। अलॉय ट्यूबलेस टायर के साथ में आता है, एंड कुछ मॉडिफिकेशन जो हैं टूरर रेडी वो कंपनी की तरफ से भी दिए जाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप बजट फ्रेंडली बाइक ले रहे हैं 2.60-2.70 लाख के आसपास में ऑन रोड प्राइस में, तो डेफिनेटली इस बाइक को भी कंसिडर करते हैं। हल्का वाइब्रेशन है दोस्तों, 400cc का इंजन है तो थोड़ा वाइब्रेशन आपको सिंगल सिलेंडर में डेफिनेटली देखने मिलेगा, अदरवाइज ये बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म जो है रोड पे करती है। बाइक है दोस्तों ट्रायम की 400, दोस्तों उसमें दो वेरियंट आते हैं, स्पीड एंड स्क्रैम्बलर, दोनों में से आप कोई बाइक ले सकते हैं, सेम इंजन के साथ में आती है। बट अगर आप लॉन्ग राइड के ले रहे हैं, हाईवे राइड के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें स्क्रैम्बलर 400X लीजिए। बहुत ही सारे प्री लोडेड फीचर्स इसके अंदर आते हैं, एंड साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात की जाए 2.33-2.60 लाख का एक्स शोरूम प्राइस है, बहुत ही सही प्राइस में ट्रायम की बाइक मिल जाती है। ये बजाज एंड ट्रायम का कोलैब के साथ में जो है एक बाइक बनाई गई है जो कि बजट फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ एक अच्छा इंजन जो है इसके अंदर दिया हुआ है। अगर इंजन की बात करें तो लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, DOSE इंजन फॉर्मेट, सिंगल सिलेंडर, 40 PS का पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 37 Nm का टॉर्क है दोस्तों, एंड इसकी माइलेज भी अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं 30 KMP के आसपास माइलेज भी दे देती है, अच्छी पावर डीलर भी है, 6-speed गियर्स आते हैं, अलॉयबल ट्यूबलेस टायर का फीचर्स भी दे रखा है, एंड कंपनी के साथ में बहुत सारे प्रीलोडेड फीचर्स भी हैं और एसेसरीज भी जो है कंपनी ने साथ में की, एंड इसमें भी हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन कर दें तो ये बाइक हाईवे पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म जो है करती है। थोड़े बहुत प्रो एंड कॉन्स हैं हल्के फुल्के, बट इस वीडियो में वो चीज़ कवर नहीं करने वाले, बट ये बेस्ट ऑप्शन है, अभी बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो बाइक है दोस्तों KTM की एडवेंचर 390X, एंड दोस्तों इस बाइक की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड आपको देखने मिलती है, एंड बहुत सारे लोग जो हैं इसको हाईवे राइड्स के लिए परचेज भी करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रोड पे भी दे देती है। साथ ही साथ अगर इंजन की ही बात की जाए तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन आता है, DOSE इंजन फॉर्मेट है इसका, 373cc की जो है बाइक है, 43 PS का पावर प्रोड्यूस करती है, 37 N का टॉर्क देती है, 2.73 लाख जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस है, एंड इसी में एडवेंचर मॉडल भी है, थोड़ा कॉस्टलियर साइड है दोस्तों, बट थोड़ा बजट फ्रेंडली भी बनाया गया है इसमें एक्स सीरीज करके, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अलॉयबल ट्यूबलेस टायर के साथ में आती है, लाइट वेट बाइक है, साथ ही साथ दोस्तों 30 KMP के माइलेज के आसपास जो है आपको आराम से दे देती है हाईवे पे, तो बेस्ट माइलेज भी है, इंजन परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, एंड थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में टूरर रेडी तो ये ऑब्वियसली है, एंड मल्टीपल रोड कंडीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म जो है करती है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। एंड दोस्तों इस बाइक की भी अभी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड जो है देखने मिल रहा है, रिसेंटली लॉन्च बाइक है, एंड मार्केट में जो है मिक्स रिव्यूज़ देखने मिल रहे हैं, जिसमें कि बहुत लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी कह रहे हैं, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का फिंगर पॉइंटिंग है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 2.85 लाख-2.90 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में आपको इजीली अवेलेबल है। इंजन की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड का फर्स्ट लिक्विड कूल इंजन है दोस्तों, सिंगल सिलेंडर 452cc का, जो कि 40 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, 40 Nm का टॉर्क भी दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड दोस्तों यूएसडी फोक्स दिया हुआ है, क्रॉस फोक्स जो हैं ट्यूबलेस वाले वो जल्दी मार्केट में आने वाले हैं, अभी जो आपको नॉर्मल ट्यूब वाले टायर्स ही जो हैं इसके साथ मिल रहे हैं। एडवेंचर बाइक के हिसाब से बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 196 kg के आसपास की ये बाइक है, एंड 17 लीटर का टैंक आता है दोस्तों, जो कि आपको माइलेज 27-30 KMP के आसपास में ईजिली दे देता है। अभी तक यही मार्केट का रिव्यू आ रहा है, हालांकि अभी एक चीज़ और बताऊँ तो बाइक में ऑल LEDs यूज़ की गई हैं, थोड़ा यूनिक लुक है,
एंड कंपनी की तरफ से बहुत सारे एसेसरीज भी आ रहे हैं इसमें, जिसमें कि आपके आप इसमें प्रीलोडेड ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड इसको टूरर रेडी जो है बना सकते हैं, एंड ऑल रोड कंडीशन में ये बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है।